हेलो एवरी वन माई नाम चरण आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ कवार यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली स्टडी आई होप आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और सभी अच्छा करना नीट में एक महीना बचा है एग्जाम के और आप अच्छे से प्रिपेयर करें मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को तो आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या रसिया के अंदर तो आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब इन रसिया सो so, देखो बेसिकली आपको आज मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा कि आप लोग आ, किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की बातों में ना आए कि हम पार्ट टाइम जॉब करा सकते हैं आपको या फिर कुछ इनकम से और सोच जाएगा रसिया जाके क्योंकि बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बजट क्योंकि बहुत आ, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ दो तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका बजट अंडर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लैख के बीच में होता है यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम लोग के कई बार जो मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार फीस पे नहीं कर पाते तो उनको मजबूरी में ऐसा लगता है कि शायद क्या पता हम वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर लें उसके जरिए हम अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं तो देखो बेसिकली ये रूल यूरोप में नहीं चलता है यूरोप में मेरे हिसाब से मोस्टली रसिया में नहीं है 2022 से रूल दे तो दिया है लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है वो लैंग्वेज वेरियर का होगा अगर आप लोग रशियन जानते हो आप वर्क कर सकते हो लेकिन अगर आपको रशियन आनी चाहिए मेरे हिसाब से सिक्स टू सेवन आवर्स आप ट्वेंटी फोर आवर्स में से लीगली वर्क कर सकते हो टू थाउजेंड के रूल के हिसाब से जो अभी लास्ट बिफोर टू ईयर्स रसिया में uh, रूल बनाया गया है कि स्टूडेंट्स फॉरन स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजिपशियंस हैं बहुत सारे अरबिक है वो भी जॉब करते हैं इंडियन में क्या होता है इंडियन हेजिटेट होते हैं काम करने में बट मैं मेरा ये मानना है सिंप, सिंपल सी चीज़ है अगर आप मेम बी की स्टडीज़ के लिए आ रहे हो तो आपको जॉब करने का पार्ट टाइम काम करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि स्टडी इतनी हार्ड होती है फर्स्ट थ्री इयर्स तक तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी से ही क्योंकि आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सुबह नौ बजे से और मोस्टली क्लासेस ख़त्म होती है छः बजे तक उसमें उसके बाद आपको खाना बनाना अपना पर्सनल घर वालों से थोड़ी बहुत बातें करनी थोड़ा अपना नोट्स बनाने फिर रात में बैठ के थोड़ा स्टडी करनी अगली क्लास के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मिल पाएगा पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आप रियली मेडिकल स्टूडेंट या फिर रियली में एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हो तो अगर आप अच्छा डॉक्टर नहीं बनने के लिए आ रहे हो तो सिंपल सी चीज़ें आप फिर काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको फिर स्टडीज की तरफ नहीं देखना चाहिए तो मेरा कहना यह कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से आपको टाइम नहीं मिलेगा हाँ थर्ड ईयर के बाद मोस्टली दिन में एक दो क्लासेस ही होती हैं क्योंकि सिलेबस कम हो जाता है और मेन मेन सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं और प्रोफेसर्स होते हैं तो इतना बर्डन नहीं होता वो सिर्फ़ लेक्चर समझाते हैं उसके बाद आपको खुद को पढ़ना होता है ठीक है प्रैक्टिस करनी होती है आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन रसिया में जो मेन बच्चे सोचते हैं कि हमको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा था बहुत सारे एजेंट्स कुछ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट हैं उनको ये बोल के लेके आए हैं कि आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी इवन यहाँ पे जो बच्चे आए मेरे से एक दो बच्चे ऐसे थे जिनका मैंने भी एडमिशन कराया लेकिन कंसल्टेंट ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे तो उनसे कंसल्टेंट ने बोला था वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी जब बच्चा यहाँ पे आया तो मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि भैया मेरे कंसल्टेंट ने तो बोला था आप जॉब दिला दोगे मैंने कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है जॉब मैं कैसे दिला सकता हूँ मैं जॉब नहीं लूंगा वो आपके हाथ में आप जॉब करो नहीं करो क्या करो कुछ नहीं करो मेरा काम था एडमिशन कराना अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी लीगली प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हो ड्रिंकिंग करते हो कहीं बाहर पकड़े जाते हो किसी भी चीज़ में उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मेरा काम सिर्फ सिंपल सा है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा उसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा तो बच्चों को इस तरीके से जो कुछ एजेंट्स होते हैं कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं इवन कुछ ब्लॉगर्स भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ हाँ आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी आप एडमिशन करा लो हमारे थ्रू तो कभी उन लोगों की बातों में मत आना ठीक है पार्ट टाइम जॉब मिलती है ऐसी बात नहीं है लेकिन यहाँ के लोग अपने लोगों को सबसे पहले प्रिफर करते हैं जॉब देने में क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज वेरियर नहीं होता है सिंपल चीज़ें आपका रेस्टोरेंट चल रहा है कोई आपका वर्कशॉप चल रही है अदर उधर आप अपने लोकल को ज़्यादा प्रिफर करोगे किसी फॉरनर को जॉब देने से क्योंकि उसको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर सबसे पहली प्रॉब्लम है दूसरा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा जॉब करने का तीसरा आप जॉब कर सकते हो तो आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे ये थी पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बहुत जो भी मेरे से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि भैया हमें पार्ट टाइम जॉब करने को मिलेगी वहाँ पर तो पार्ट टाइम जॉब करने को मिलेगी जरूर लेकिन आप मेरी सजेशन में आप नहीं कर पाओगे ठीक है उससे अलग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्यूमेंट अप्लाई करें किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखो डॉक्यूमेंट आपको तीन प्रिपेयर करके रखने हैं ट्वेल्थ क्लास मार्कशीट नीट क्वालिफाई और पासपोर्ट अगर अभी तक आप लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो अपना पासपोर्ट जल्दी से जाके तत्काल में बनवा लें ठीक है क्योंकि यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड प्लेस है बहुत सारी एजेंसीज कंसल्टेंसीज आके प्रमोशन कर दिए यूनिवर्सिटी का कल को किसी के जाल में मत फंसना आप लोग कोई भी कंसल्टेंसी बोले अरे हम ही है वहाँ पे या हम ही एक्सक्लूसिव है हम ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता किसी की बात बातों में नहीं आना है ठीक है एजेंट्स का काम होता है गुमराह करना और हर एक कंसल्टेंसी क्या करती है कि यूनिवर्सिटी जाती है फ़ोटोज़ खिंचाती है इधर उधर वीडियो शूट करती है फिर बोलते हैं हम ही ऑफिशियल है तो उस चीज़ के ऊपर फोकस मत करना ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और नीट एक महीने बाद है नीट का एग्जाम उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में